कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं तो रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत मान लीजिए दो जज हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़का फर्स्ट लग रहा है दूसरे ने कहा नहीं मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड लाइक है तो एक जज ने दिया उसको रैंक वन दूसरे जज ने उसको रैंक दिया थर्ड इसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट के लिए पहले ने दिया दूसरी रैंक जबकि दूसरे ने दिया कितनी रैंक पहली रैंक दे दिया तो इस प्रकार रैंक को रिलेशन जो स्पीयर मैन ने दिया था इन्होंने कहा रैंक के आधार पर भी हम लोग कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं जब दो या दो से अधिक जज रैंक देते हैं तो उसका हम लोग को रिलेशन निकालते हैं रैंक कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स आपका एक्स आर माइनस वाई आर का स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन अब ये रैंक ऑफ एक्स बताता है यहां पे देखो सिक्स सॉरी <coughs> आपके पास सिक्स सिग्मा एक्स आर यानी एक्स सीरीज का रैंक है ये वाई सीरीज का रैंक है तो अगर मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर दूं तो और सिंप्लीफाई करने के बाद रैंक यानी रैंक कोरिलेशन आर इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन तो ये स्पीयर मैन का रैंक कोरिलेशन का फार्मूला बन जाता है ठीक है तो स्पियर मैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला इस तरह होता है अब मैं आपको आगे यह भी बताऊंगा कि अगर एक ही रैंक पर दो बच्चे आ जाए आपने देखा होगा कि तीसरे स्थान पर दो स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो समस्या को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहले हम सिंपल देख लेते हैं कि कैसे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं तो सपोज दैट एक निर्णायक एक निर्णायक मंडल है वो क्या करता है रैंक दे रहा है तो प्रथम निर्णायक का रैंक है एक्स के लिए और वाई के लिए ठीक है तो एक ने रैंक दिया सिक्स तो दूसरा निर्णायक रैंक दे रहा है चार पहले ने दिया चार तो दूसरा निर्णायक उसको दे रहा पहली रैंक फिर इसी प्रकार तीन फिर उसी प्रकार छः फिर इसी प्रकार वन रैंक है तो ये आपकी सेवन है फिर आपके पास दो है रैंक तो आपके पास पाँच है फिर आपके पास सात है तो आपके पास आठ है ये आपके पास नौ है तो ये आपके पास दस है ये आपके पास आठ है तो ये आपके पास नौ है ये आपके पास दस है तो ये आपके पास तीन है ये आपके पास पाँच है तो ये आपके पास दो रैंक है इसको मिली है यानी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसको एक्स निर्णायक ने छठवीं रैंक दिया उसी स्टूडेंट को दूसरा निर्णायक है वो चार नंबर दे रहा है एक स्टूडेंट और है उसको चार नंबर रैंक मिली एक एक जज के द्वारा दूसरे जज ने उसको दे दिया कितना दे दिया वन रैंक दे दिया फर्स्ट रैंक दिया फिर अगला स्टूडेंट आया उसको एक जज ने तीन नंबर दिए दूसरे जज ने उसको छ नंबर तो इस प्रकार रैंकिंग की गई है अब इस रैंकिंग के आधार पर बताइए कि क्या कोरिलेशन है इन दोनों जजों के रैंक का तो सबसे पहले आप इन रैंक का डिफरेंस निकाल लीजिए जब कोरिलेशन ऐसा आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप डिफरेंस जनरेट करिए डी मतलब होता है डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एक्स रैंक माइनस डिफरेंस ऑफ वाई रैंक ठीक है रैंक एक्स तथा रैंक वाई का डिफरेंस निकाल लीजिए तो चलिए छः में से चार माइनस करते हैं तो दो हो जाता है चार में से एक माइनस करते हैं तो तीन हो जाता है तीन में से छः माइनस करते हैं तो माइनस तीन हो जाता है एक में से सात माइनस करते हैं तो माइनस छः हो जाता है दो में से पाँच माइनस करते हैं तो माइनस तीन हो जाता है सात में से माइनस आठ करते हैं तो माइनस एक हो जाता है नौ में से दस को माइनस करते हैं तो माइनस एक हो जाता है आठ में से नौ को माइनस करते हैं तो माइनस एक हो जाता है दस में से तीन को माइनस करते हैं सात हो जाता है पाँच में से दो को माइनस करते हैं तो तीन आ जाता है तो ये डिफरेंस जनरेट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं कि होगी किसी को आराम से डिफरेंस को जनरेट किया जा सकता है अब क्या करना है आपको इस डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है चलो डिफरेंस का स्क्वायर जनरेट कर लेते हैं टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन अब देखो माइनस प्लस में हो जाएगा सिक्स सिक्स जा थर्टी नाइन थर्टी सिक्स थ्री थ्री जा नाइन वन वन जा वन 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 जा वन 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 जा वन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन थ्री थ्री जा नाइन और इसको हम ऐड कर लेंगे ठीक है इसको जब आप ऐड करोगे तो आ रहा है वन ट्वेंटी एट आ रहा है ठीक है अब हम क्या करते हैं रैंक ओरिलेशन का फार्मूला लगाते हैं तो रैंक ओरिलेशन आर इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिगमा आपके पास डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन ये फार्मूला आपका होता है तो वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर ये आपका है सिग्मा डी स्क्वायर आपका है एक सौ अट्ठाईस तो सिक्स इंटू वन टू एट अपॉन एन कितना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस रैंक मिली है तो एन का मान टेन हो जाता है तो टेन टेन का स्क्वायर माइनस वन कैलकुलेट करते हैं वन माइनस आपका इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा छः अच्छा अड़तालीस चार छः दूरी बारह चार सोलह छः कम छः सात सात सौ अड़सठ बटे ये हो जाएगा सौ का दस का स्क्वायर सौ हो जाएगा सौ में से एक माइनस होगा निन्यानवे होगा निन्यानवे को दस से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन नाइन जीरो आ जाएगा ठीक है इसको यहीं पर पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लो ठीक है तो जब इसको यहीं पर पॉइंट पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो वन माइनस आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन सेवन सिक्स हो जाएगा अब इसको यहीं पे माइनस कर लो तो जब माइनस करोगे तो जीरो धनात्मक अल्प सहसंबंध आता है कम यानी मॉडरेट से कम ठीक है तीस से कम है ठीक है तो लगभग नो के बराबर कोरिलेशन इसके बीच में पाया गया वो भी धनात्मक तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है तो ये हमारे पास क्या होता है? इस तरह हमने को कर लिया है लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको रैंक देनी होती है ठीक है कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको रैंक देनी होती है ठीक है तो रैंक कैसे दिया जाए चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कभी कभी रैंक आपको खुद देनी पड़ती है ऐसे भी प्रश्न आते हैं यहाँ तो आपको दो जजों के रैंक ऑलरेडी दिए गए थे इसलिए था मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स है एंड वाई है ये दिया है एक्स क्या दिया है जैसे किसी स्टूडेंट के क्लास में बीस नंबर हैं किसी के बाईस नंबर हैं किसी के चौबीस नंबर हैं किसी के पच्चीस नंबर हैं किसी के तीस नंबर हैं किसी के बत्तीस नंबर हैं किसी के 28 नंबर हैं किसी के इक्कीस नंबर हैं किसी के छब्बीस नंबर हैं और किसी के पैंतीस नंबर हैं ठीक है ठीके? ये आपके पास एक्स का डेटा दिया है वाई इस वाई का है वाई का है सिक्सटीन आपका है फिफ्टीन फिर आपका है 20, फिर आपका है ट्वेंटी वन फिर आपका है 19, फिर आपका है एटीन फिर आपका है ट्वेंटी टू आपका है ट्वेंटी फोर फिर आपका है ट्वेंटी थ्री फिर आपका है ट्वेंटी फाइव तो ये मान लीजिए स्कोर है। अब इसको क्या करता है देखो इसको तो आप कार्ल पियर्सन से डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका समांतर माध्य निकाल लोगे फिर डेविएशन निकाल लोगे लेकिन अगर आपको इसको स्पियरमैन इस से करना है उसमें लिखा रहेगा एग्जाम में कि आपको कोटिस संबंध ज्ञात कीजिए अगर एग्जाम में लिखा रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करिए तो आपको रैंक ओरिलेशन कैलकुलेट करना है लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये लिखा रहे कि नहीं आपको क्या कैलकुलेट करना है ओनली कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो आप कार्ल पियर्सन से भी इसको सॉल्व करोगे रैंक वाले को रिलेशन में आपको स्पेशली रैंक दिया जाता है लिखा जाता है कि रैंक मेथड ओरेशन मेथडो यूज करिए तो इसमें क्या होता है कि आपको रैंक ओरेशन कैलकुलेट करना है तो चलो रैंक ओरेशन जब कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते क्या है सबसे पहले एक्स वाले में रैंक देते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले को कौन सी रैंक देंगे फर्स्ट रैंक देंगे तो यहां पर फर्स्ट सबसे क्या है एक्स में पैंतीस नंबर पाने वाला एक बच्चा है फिर मेरे पास क्या होता है बत्तीस नंबर पाने वाला दूसरा बच्चा है सेकेंड रैंक पर फिर तीसरे रैंक पर आपका आ जाता है तीस नंबर वाला है फिर आपके पास चौथी रैंक वाला है अट्ठाईस नंबर पाने वाला फिर पाँचवीं रैंक पाने वाला जो है वो छब्बीस वाला है फिर सातवीं छठवीं रैंक पाने वाला जो है वो पच्चीस नंबर वाला है फिर आपके पास क्या होता है सातवीं रैंक पाने वाला जो है वो चौबीस नंबर वाला होता है फिर आठवीं रैंक पाने वाला बाईस नंबर वाला होता है फिर नौवीं रैंक पाने वाला जो होता है वो 21 नंबर है और दसवीं रैंक जो पाएगा क्लास में वो 20 नंबर है तो देखो हमने रैंक डिवाइड कर लिया ठीक है इसको हम कहते हैं रैंक आर एस कह देते हैं रैंक ऑफ एक्स हमने बना दिया ठीक है रैंकिंग करना सबको आ जाएगा भाई क्लास में जो ज्यादा नंबर पाया हो फर्स्ट रैंक पे जो कम पाया हो सेकंड पे उससे कम पाया थर्ड पे उससे कम पाया फोर्थ पे इसी तरह आपको यहां पर भी रैंक डिवाइड करनी है पच्चीस नंबर वाला पहली रैंक पे फिर उसके बाद चौबीस नंबर वाला दूसरी रैंक पे तेईस नंबर वाला तीसरी रैंक में चौ बाईस नंबर वाला चौथी रैंक पे फिर आपके पास इक्कीस नंबर वाला पाँचवीं रैंक पे छठवीं रैंक पे आपका हो जाएगा बीस नंबर वाला फिर सातवीं रैंक पे आपका हो जाएगा उन्नीस नंबर वाला फिर आठवीं रैंक पे आपका हो जाएगा अठारह नंबर वाला फिर नौवीं रैंक पे आपका हो जाएगा सोलह नंबर वाला फिर आपका दसवीं में पंद्रह तो ये आपने रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसका वाई का रैंक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इस तरह आप क्या करोगे इन रैंक को रिलेशन के अंतर्गत रैंक हमने कैलकुलेट कर लिया है ठीक है अब हमने रैंक आर एक्स एंड आर वाई दोनों रैंक अब इस जो सीरीज है इन सीरीज से हमको को कोई मतलब नहीं है ठीक है अब हमको ये जो ब्लू कलर से रैंक आपने निकाला रैंक और रिलेशन के अंतर्गत इन रैंक को कैलकुलेट करना है ठीक है तो इन दोनों रैंक की हेल्प से आप डी जनरेट करिए डी जनरेट करने का मतलब होता है कि आर एक्स माइनस आर वाई करना होगा तो चलो दस में से नौ माइनस करोगे आपका एक आ जाएगा फिर आठ में से दस माइनस करोगे आपका क्या आ जाएगा आपका दो आ जाएगा माइनस का फिर सात में से छः माइनस करोगे एक आ जाएगा फिर छः में से पाँच माइनस करोगे एक आ जाएगा तीन में से सात माइनस करोगे माइनस चार आ जाएगा दो में से आठ माइनस करोगे माइनस छः आ जाएगा चार में से चार माइनस करोगे आपका जीरो आ जाएगा नौ में से दो माइनस करोगे सात आ जाएगा पाँच में से तीन माइनस करोगे माइनस दो आ जाएगा एक में से एक माइनस करोगे जीरो आएगा तो यह डिफरेंस की टेबल आपको जनरेट करनी है ठीक है डिफरेंस की टेबल जनरेट करना आसान होता है अगर माइनस होगा जी कहां पर सबसे नीचे वाला जो माइनस टू लिखे हैं पांच में से तीन हाँ दो चलो ठीक है अब हमारे पास क्या होता है देखो इसमें अगर आपको प्लस माइनस भी थोड़ा गड़बड़ी भी हो जाती तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे मैं इसका डी स्क्वायर करूंगा सारी माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है अगर मान लो कभी आपसे से में मिस्टेक हो जाती है मान लो माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स आपसे हो जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में ये याद रखिएगा ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका टेबल जनरेट करते हैं डी स्क्वायर का चलो डी स्क्वायर का टेबल जनरेट करते हैं तो वन वन जा वन टू टू जा फोर वन वन जा वन 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 जा वन फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्स सिक्स जा, जा, जा थर्टी तो सिक्स जीरो फोर्टी नाइन वन फोर फोर एंड जीरो अब इसको आप जोड़ लोगे तो जोड़ने के बाद सिगमा डी स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी जो आपके पास क्या है यहाँ पर लिख दिया आप, आप। कहां पे अच्छा सॉरी ये दो दो चार ठीक है अब हमारे पास क्या होता है चलो इसको हम लोग जोड़ देते हैं जोड़ने के बाद इसको हमारे पास कितना आ जाता है 112 आ जाएगा ठीक है 112 आ जाता है अब हमारे पास क्या हो जाता है आर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वन माइनस सिक्स आपके पास सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर और आपके पास लास्ट में यहां पे अपॉन में हो जाएगा एन एन स्क्वायर माइनस वन हो जाता है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें वैल्यू रख देते हैं तो सिक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 112 सौ बारह बटे एन का मान कितना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो एन बराबर है आपका टेन यानी कितने नंबर है तो आपका रैंक कितनी है टेन रैंक है तो टेन माइनस टेन स्क्वायर माइनस वन चलो कैलकुलेट करते हैं वन माइनस छः दूनी बारह अब छम छः एक सात छः कम छः छे, बटे नौ सौ नब्बे अब यहीं पर इसको पॉइंट में आपको कन्वर्ट कर लेना होगा तो वन माइनस आपके पास हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स एट और इसको जब आप माइनस करोगे तो ज़ीरो पॉइंट थ्री टू आएगा तो ये आपके पास मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन के रूप में आ जाता है तो ये हमारा आंसर है क्योंकि इसका मान प्लस थ्री से ऊपर है तो जब प्लस थ्री से ऊपर है तो इसके आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये आपके पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन था पहले टाइप वाले क्वेश्चन में रैंक गिवन थी यहां पर रैंक ऑफ एक्स जज की रैंक दी गई थी यहां पर रैंक ऑफ वाई जज की रैंक दी गई थी यहां पे आपको रैंक देना था ये आपके नंबर थे क्लास में बच्चे के रेड कलर से हैं इन रैंक्स को आपने दिया था ठीक है और यहां पर आपने रैंक दिया था लेकिन इसमें क्या होता था कि सिंपल फॉर्मेट है इस जिस फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है इस फॉर्मेट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी रैंक समान हो जाते हैं मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसको पैंतीस नंबर मिले दूसरे स्टूडेंट है उसको भी पैंतीस नंबर मिले तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी ठीक है तो इस तरह के प्रश्न जब आ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रैंक कोरिलेशन में कंफ्यूजन जनरेट होता है तो चलिए जब दो नंबर एक ही स्टूडेंट को मिल जाए तो रैंक कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फार्मूला में क्या चेंजेज होंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे पास एक क्लास का डेटा दिया गया है इंफॉर्मेशन एक क्लास रूम की दी गई है और यह डेटा है आपके पास एक्स और आपके पास वाई

सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर मिले आज कॉपी मान लो दिखाई गई इकोनॉमिक्स की ठीक है किसी को भी बाईस नंबर मिला किसी को चौबीस नंबर मिला किसी को सत्ताईस नंबर मिला किसी को पैंतीस नंबर मिला किसी को इक्कीस नंबर तो इसमें रैंकिंग करनी थी दूसरा मेरे पास है वाई तो वाई है हमारे पास सब्जेक्ट मान लीजिए स्टैटिक्स का है किसी को तीस नंबर मिला किसी को अड़तीस नंबर मिला किसी को चालीस नंबर मिला किसी को पचास नंबर मिला किसी को 38 नंबर मिला किसी को 25 नंबर मिला किसी को 38 नंबर मिला किसी को 36 नंबर मिला किसी को 41 नंबर मिला किसी को 32 नंबर मिला ये दूसरे सब्जेक्ट का मान लीजिए नं, नंबर दिखाए गए 10 स्टूडेंट का नंबर है वो दिखाया गया अब इसमें क्या कर दिया है कि रैंक को रिलेशन कैलकुलेट करिए रैंक कोरिलेशन का मान क्या होगा तो चलिए रैंक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रैंक ऑफ एक्स निकालते हैं तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर पाता है उसको आप निश्चित रूप से कहोगे कि ये नंबर एक पे रहेगा तो यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट नंबर पाने वाला स्टूडेंट है वो पैंतीस नंबर वाला है ये हाईएस्ट है दूसरे स्थान पर आपका सत्ताईस नंबर वाला है तीसरे स्थान पर आपका जो स्टूडेंट आ जाता है वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा है है दो, ouais. दो बार है। अब देखो ये प्रॉब्लम आ गई कि मैं इसको दूसरा रैंक कि इसको दूसरा रैंक दू एक और है इसको ये तीन लोग हैं अब बताइए है, तीन लोग हैं तो तीनों लोगों को एक को दूसरा मिलना चाहिए था एक को तीसरा मिलना चाहिए था एक को चौथा मिलना चाहिए था तो तीनों लोग झगड़ा करने लगेंगे नहीं हमको दूसरा दे, दे दीजिए वो कहेगा नहीं हमको दूसरा दे, दे दीजिए ठीक है तो जब तीन लोग आपस में झगड़ने लगते तो इनको कौन कौन सी रैंक मिलनी थी एक को दूसरी मिलनी थी एक को तीसरी मिलनी थी एक को चौथी मिलनी थी तो क्या क्या मिलनी थी पहला एक को दूसरी दूसरे को तीसरी और तीसरे को चौथी रैंक मिलनी थी तो इन तीनों रैंकों को जोड़ दो ठीक है तीनों को जोड़ोगे तो पाँच चार नौ हो जाएगा ठीक है और पाँच चार नौ अब आप क्या करोगे जब पाँच चार नौ आपका हो जाएगा तो इसको फिर और कोई सत्ताइस तो नहीं है नहीं सर तीन ही है तीन ही बार है ना सर जो आप जोड़े हैं एक बार फिर से बता दीजिए रुको 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 मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ जोड़े हैं क्या बताओ सर, दो, दो, प्लस दो प्लस थ्री प्लस चार ही वाला हाँ नहीं रैंक आप बताओ पहला रैंक इसको मिल गया है पैंतीस वाले को मान लो आपके क्लास में आपको मिल गया पैंतीस नंबर तो आपको कौन सी रैंक आएगी वन वन अब आपके फ्रेंड को जो बगल में बैठा है उसके सत्ताईस नंबर है उसके बगल में एक और बैठा उसको सत्ताईस और उसके बगल में एक बैठा तो उसको भी है तो कौन सी रैंक मिलेगी किसको बताओ सर तीनों को दूसरी रैंक मिलना चाहिए तीनों को दूसरी रैंक तीनों को दूसरी रैंक मिलनी चाहिए ठीक है जी सर तो चलो तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं दूसरी रैंक दे देते हैं चलो आपकी बात हमने स्वीकार कर लिया तीनों को हमने दूसरी रैंक दे दिया आप बताओ अगली रैंक क्या मिलनी चाहिए किसी को अगली तीसरी मिलनी चाहिए चौबीस को नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि आपने दूसरी रैंक तीसरी रैंक और चौथी रैंक वाली चीजों को सब दोनों को सबको दो दो आपने कर दिया है ठीक है तो इसलिए आपको क्या होता है कि वो रैंक आप दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो जी ठीक है अब आपको कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी पांचवी रैंक से पांचवी रैंक क्योंकि आपने दूसरी रैंक तीसरी रैंक और चौथी को क्या किया है दो दो रैंक में कन्वर्ट कर दिया है तो अब आप कहां से स्टार्ट करोगे तीसरे रैंक पांचवी से मतलब पांचवी रैंक तो पांचवी किसको मिलेगी चौबीस को चौबीस को नहीं पच्चीस नहीं सर पच्चीस है हाँ तो ये पांचवी रैंक छठी चौबीस को 24 को हाँ सातवीं रैंक तेईस को तेईस आठवीं बाईस, बाईस। आठवीं आपकी है बाईस नौवी इक्कीस और आपकी बीसवीं है दसवीं तो देखो तीन नंबर आपके मैच किए थे जिसको आपने रैंक क्या दे दिया था सबको दो दो आपने कहा था यानी कितने नंबर मैच किए इसको हम लोग बोलते हैं एम क्या बोलेंगे एम वन एक बार नंबर मैच किया कितने नंबर तीन मैच किए तो इनको साइड में आप नोट करके रख लेना कि तीन ऐसे स्टूडेंट थे जिनको सेम रैंक दी गई थी और दो तीन चार में दूसरी रैंक सबको प्रदान कर दी गई चलो y वाले पे आ आए सर आप आप बोलो सर आप टू थ्री और फोर को ऐड करके कुछ करने वाले थे सर अगर वो प्रोसेस नहीं, नहीं, भी बता दिए सर चलो अब प्रोसेस को हम समझा देने तो नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है फिर मैं वो वाला भी मेथड आपको बता दूंगा जो वो मैं कर करने वाला था वो बता दूंगा चलो यहां पे आ जाओ इसमें कौन सी रैंक मिलेगी पहली पचास नंबर पहली रैंक ना दूसरी रैंक इकतालीस इकतालीस तीसरी रैंक चालीस चालीस चौथी रैंक अड़तीस दो है अड़तीस तीन है एक अड़तीस बार अड़तीस दो अड़तीस और तीन अड़तीस ठीक है एक को मिलेगी चार एक को मिलेगी पांच एक को मिलेगी ठीक है एक को मिलेगी चार एक को मिलेगी पाँच और एक को मिलेगी छः। यानी M2 का मान कितना है तीन नंबर है जो मैच कर रहे हैं और हमने सबको दे दिया है कौन कौन सी रैंक हमने चार चार रैंक प्रदान कर दी है आपने कहा सर इनके साथ जस्टिस होना चाहिए और आपकी हमने बात मान लिया अब कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा सातवीं से ठीक है सातवीं किसको मिलेगी छत्तीस को छत्तीस को सातवीं आठवीं आठवीं तो। बत्तीस को बत्तीस बत्तीस फिर नौवीं तीस को और दसवीं पच्चीस को तो ये रैंक डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लिए होंगे कि अगर नंबर सेम है तो कैसे करना है अब वही आपको क्या काम करना है डी निकालना है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई ये आपको निकालना है आठ में से नौ माइनस होगा माइनस एक छः में से चार माइनस होगा दो दो में से तीन माइनस होगा माइनस एक एक में से एक माइनस होगा जीरो नौ में से चार माइनस होगा सॉरी प्लस पांच दस में से दस माइनस होगा जीरो दो में से चार माइनस होंगे माइनस टू पांच में से सात माइनस होंगे माइनस दो दो में से दो माइनस होगा जीरो सात में से आठ माइनस होगा माइनस एक ये तो आपको आ ही गया होगा ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं डी स्क्वायर निकाल लेते हैं एक चार एक जीरो पच्चीस जीरो चार चार जीरो एक इसको हम जोड़ देते हैं जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाता है इसका योग आपका चालीस देखो चालीस ही आएगा ना ठीक है अब हमारे पास चालीस हो गया अब हमारे पास फार्मूला जो है कोरिलेशन का का रैंक कोरिलेशन का आर इक्वल टू आर इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिगमा डी स्क्वायर अपॉन एन एन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन ये नॉर्मल के लिए फार्मूला था लेकिन यहां पर एक घटना आपके साथ घट गई है क्या घटना घट गई है यहां पर जो घटना घटी है आपको दो नंबर मैच कर गए थे एक एक्स सीरीज में मैच किए थे तीन नंबर और तीन नंबर मैच कर गए थे वाइस रीच में तो आपको क्या करना पड़ेगा यहीं पर आपको जो ब्रैकेट लगाना है यह आप यहां पर बिग ब्रैकेट लगाओगे आपका बिग ब्रैकेट लगेगा और बिग ब्रैकेट के बाद प्लस एक बटे बारह करना होगा अब आपको लिखना पड़ेगा एम वन क्यूब ठीक है एम वन क्यूब क्यूब क्यों तीन नंबर मैच किए अगर दो नंबर मैच करते तो यहां टू स्क्वायर लगता चार नंबर मैच करेंगे तो यहां पावर फोर हो जाएगी तो यह पॉइंट आपको याद रखना कि एम क्यूब आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अब आपके पास एम क्यूब यह आपका हो जाए सॉरी एम क्यूब तो रहेगा सबके साथ एम का मान आपका क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा एम का मान दो हो जाएगा तो एम वन का मान चेंज होगा क्यूब का मान नहीं चेंज होगा क्यूब हरदम रहेगा यह पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा माइनस एम वन तो ये एक के लिए हो गया अब दूसरा आपके पास क्या है वन अपॉन तो अब इसके लिए हम बना लेते हैं M2 के लिए तो M2 क्यूब माइनस M1 हो जाएगा ठीक है इस लाइन को आप आगे बढ़ा दो ये दो नंबर मैच किए हैं इसलिए मैंने इनको 1 upon 12 M1 क्यूब माइनस M1 कर दिया हूं प्लस 1 upon 12 वही चीज को देखो मैंने रिपीट कर दिया है और एम का मान यहां पर मैंने साइड में लिख लिया है एम का एम वन का मान तीन है और एम टू का मान भी तीन है हो सकता आपका नंबर दो हो जाता तो आप दो हो जाता तो आपको दो बार रखना पड़ता ठीक है तो एम का मान आप टू रखते हो लेकिन क्यूब सब जगह रहेगा ये कंफर्म रहे है ठीक है एम वन का मान चेंज होता रहता कभी वन सॉरी वन बाई लिखा नहीं जाता टू होता है थ्री होता है फोर नंबर भी मैच कर सकते फाइव नंबर भी मैच कर सकते चलो अब रख देते हैं इसमें वैल्यू तो वन माइनस सिक्स बिग ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर कितना है चालीस चालीस प्लस एक बटे बारह एम वन का मान कितना है तीन का होल क्यूब माइनस तीन प्लस वन अपॉन ट्वेल्व तीन का होल क्यूब माइनस तीन बटे आपका हो जाएगा एन का मान कितना है दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो एन का मान दस है तो दस दस के स्क्वायर माइनस वन चलो सॉल्व कर लेते हैं वन माइनस सिक्स फोर्टी प्लस अब ये क्या हो जाएगा इसमें से अगर मैं थ्री कॉमन ले लू तो कितना हो जाएगा या एक बटे बारह और ये तिन त्रिका नौतृक सत्ताईस सत्ताईस माइनस तीन प्लस आपका ये हो जाएगा एक बटे बारह तिन त्रिक्का नौतृक सत्ताईस गुणे सत्ताईस माइनस तीन ठीक है अपौन नौ सौ नब्बे तो वन माइनस सिक्स बिग ब्रैकेट चालीस अब ये देखो ये सत्ताईस में से तीन माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा चौबीस अब बारह दूनी चौबीस हो जाएगा ठीक है यहाँ भी बारह दूनी चौबीस हो जाएगा तो दो, दो जुड़ के चार हो जाएगा तो चार किस में जुड़ जाएगा चालीस में तो हो जाएगा चवालीस तो ये चवालीस हो जाएगा तो चवालीस का गुणा किस में करेंगे छः में कर देंगे बटे नौ सौ नब्बे तो वन माइनस अब क्या हो जाएगा छः चौको चौबीस छः चौको चौबीस पच्चीस छब्बीस बटे नौ सौ नब्बे अब इसको आप डिवाइड करोगे माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन थ्री पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास धनात्मक है पॉजिटिव कोरिलेशन है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन थ्री पॉजिटिव कोरिलेशन हमको कैलकुलेट हो गया है तो इस तरह आप एग्जाम में रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और मैंने देखा लॉन्ग वाले में कि ये एम1 वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो इस एम1 वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली लगाना पड़ेगा अब आप बताओ कोई प्रश्न हो तो